इराक के एक प्रभावशाली शिया मौलवी मुक्तदा अल सद्र ने सोमवार को कहा कि वह राजनीति से किनारा कर सकते हैं। बगदाद में धर्मगुरु के समर्थकों और ईरान समर्थित लोगों के बीच झड़प हो गई और विरोध में उन्होंने राष्ट्रपति के महल और अन्य सरकारी दफ्तरों में धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों से टकराव में कम से कम 20 लोगों की जान चली गई और 300 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। आशंका है कि हिंसा का ये दौर लंबा भी खिंच सकता है। इस बीच देश में अब कर्फ्यू लगा दिया गया है। बिगड़ी परिस्थितियों को देखते हुए पड़ोसी देश ईरान ने इराक जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं और सीमा पर सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। इस बीच हिंसा को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने भी शांति की अपील की है। इससे पहले यह स्थिति श्रीलंका में भी देखी गई थी और ठीक उसी तरह स्थिति बिगड़ती हुई इराक में नजर आई है।